पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रामनवमी के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार 17 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए गए। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर है। शक्तिपुर में ही बुधवार शाम को शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई। बीजेपी ने इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा। पार्टी ने पत्थरबाजी को लेकर कहा कि पुलिस इस साल भी राम भक्तों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है। बीजेपी ने कहा कि पिछले साल भी पुलिस की सुरक्षा देने में विफलता की वजह से दलखौला, रिश्रा और सेरामपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इस साल भी प्रशासन से पूरी अनुमति के बाद निकाली जा रही रामनवमी की शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर शक्तिपुर में उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में पथराव की घटना जिले के शक्तिपुर इलाके में सामने आई, जब यहां से बुधवार शाम शोभा यात्रा गुजर रही थी। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें लोगों को छतों से पथराव करते देखा जा सकता है। पत्थरबाजी के बाद लोगों की भीड़ उग्र हो गई, जिसे काबू करने में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। वहीं हिंसा को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनिए। बहुत ही शर्मनाक बात है, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को क्या इस बात का अंदाजा था कि राइड्स होने हैं, और क्या इस बात को वो हिंट बार बार दे रही थी। आप उनके बयान देखिए, आप उनके रैलीज में जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर आप को एग्जामिन कीजिए, या फिर आप ट्वीट देखिए। बार बार वो आशंका क्यों जता रही थी कि दंगे होंगे? क्या वो चाहती थी दंगे हों? क्या वो चाहती थी कि माहौल इस तरह से पोलराइज हो, ध्रुवीकरण हो, ताकि जो कम्युनल टेंशन है, जो आपसी सौहार्द है, वो खराब हो, हंगामा हो? और यहाँ पे मुर्शिदाबाद में तो आप सोचिए कि बाकायदा पुलिस की तरफ से हिंसा हुई है। तो क्या लोगों को आज़ादी नहीं है रामनवमी के दिन अपना, चाहे वो शोभा यात्रा निकालनी हो या अपना कोई भी प्रोसेशन निकालना हो? मुझे बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही ओछी किस्म की, वही पुरानी घिसी पिटी तुष्टिकरण की राजनीति फिर से आप देख रही हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एक तरफ होगा तुष्टिकरण, जिसका बोलबाला पश्चिम बंगाल में देख रही हैं। जैसे ममता बनर्जी ने प्रोवोकेशन कर रहा था, दंगा भड़का रहा था, मैं सारे हिंदू मुसलमान लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसका भड़काने में लोग नहीं आए। फिर भी रेजीनगर में जो पथराव का घटना हुआ वो बहुत दुखदायक घटना है, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं जो लोग पथराव किया उन लोगों का ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे। कारण जुलूस के ऊपर पथराई जो किया वो लोग जानबूझ के दंगा फैलाने का मतलब लेके, मकसद लेके एक काम किया, उन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए और चुन चुन के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कल देखा गया कि बहरमपुर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब घायलों को देखने गए थे अधीर रंजन चौधरी, उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ बातों में झड़प हुआ, एक बीजेपी कार्यकर्ता को अधीर रंजन चौधरी खुद धक्का भी मार दिया। देखिए बात यही है, इन सब लोग कम्युनल गेम खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई कम्युनल गेम नहीं खेल रहा है। आज इधर आए थे कोतवाली थाना में, आपको मालूम है कि परसों हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मन से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिचिल करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका, आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ताकि दंगा लगे, और इसी का विरोध करते हुए हम आज आए थे इधर हमारा FIR लॉन्च करने के लिए। IC नहीं था इधर, ड्यूटी ऑफिसर था, हम IC से बात किया, IC बोले ठीक है ड्यूटी ऑफिसर को दीजिए। हम बोला ड्यूटी ऑफिसर को बोल दीजिए आपको आने का जरूरत नहीं है, आप ड्यूटी में हैं, आप उनको बोल दीजिए। फोन रखने के बाद ड्यूटी ऑफिसर बोले नहीं हम तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। हम क्यों, हम एक विधायक है, हम एक महिला है, हम एक कंप्लेन देने आए हैं, आप क्यों नहीं लेंगे? आपका तो ये काम है, आपको ये मेहरबानी नहीं कर रहे? वो नहीं लिया। उसके बाद हम लोग आके रास्ता अवरोध किए, आधा घंटा में IC आए और हमारे रिसीव किए, और आप उठाकर IC बात कर रहे कि हम दुर्व्यवहार किए, आप मेरा कंप्लेन नहीं लेंगे और हम चिल्ला के बात करेंगे तो वो दुर्व्यवहार हो गया। मैं पुलिस की माने तो हालात को काबू कर लिया गया है और मौके पर
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स को भेज दिया गया है। पथराव की वजह से घायल हुए लोगों को बहरामपुर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट हुआ। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट बुधवार शाम को हुआ, इसमें एक महिला घायल हुई है। धमाके को लेकर अब जांच भी की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा शोभा यात्रा पर पथराव और दुकानों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण रामनवमी शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से इजाजत ले ली गई थी, लेकिन मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर और बेलडांग दो ब्लॉक में उपद्रवियों ने हमला किया। बहरहाल चुनावों के मौसम में बंगाल में एक बार फिर से ये घटना देखने को मिली, यानी बंगाल फिर जल उठा। ऐसे में बंगाल में ये हिंसा कब थमेगी, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।